नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। झारखंड सरकार गिराने की साजिश का मामला सामने आया है और इसके आते ही राजनीतिक गर्मी तेज़ हो गई है। इसे लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और गिरफ्तार किए लोगों को लेकर उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनिए। सर, आप अरेस्ट करने के लिए जब भर गए हैं तो मैटर क्या है? आज जैसे आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सरकार गिराने, एक फल बेचने अलग, धुंधीबाग बाजार में भी ठेला में, क्या सरकार गिराने का काबिल है? अपना घर चलाने के काबिल में नहीं है। उनका घर की स्थिति भी कोई जा करके देख सकते हैं कि उनका घर की स्थिति क्या है। और एक मजदूरी करने वाला एक और जो है वो एक ठेकेदारी मजदूर है। तो सुना आपने कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से एक के परिजन का कहना है कि ये जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है वो ठेला पर सब्जी बेचता है और इसके घर की हालत इतनी खस्ता है कि ये घर चलाने में सक्षम नहीं है, तो फिर सरकार गिराने जैसी बड़े काम को कैसे ये अंजाम दे सकता है। वहीं दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। अभी पुलिस था, उसने बोला कि चलो सीबीएसई के पास चलना है, सीबीएसई तुमसे कुछ पूछताछ करेगा, ठीक है ना। इसी मामले में उठा के लाया था। वो क्या करते हैं? प्लांट में जॉब करते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीका मजदूर हैं, 320 रुपये पर डे उनको मिलता है। तो सुना आपने, इनका भी कहना है कि ये दैनिक मजदूरी करने वाला एक मजदूर है और इसकी कमाई 300 से 350 रुपये के करीब इसकी रोज़ की कमाई है। तो ऐसे में इनके परिजनों की अगर माने तो ये दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर हैं। वहीं बिहार की भी राजनीति इससे जुड़ गई है। बिहार के शिवानंद तिवारी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं और वहीं मदन मोहन झा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने भी झारखंड के इस मामले पर साफ तौर से बीजेपी पर आरोप लगाया है और साफ तौर से कहा है कि केंद्र की सरकार इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि बीजेपी की ये नियति रहती है कि जहां बीजेपी की सरकार जिस राज्य में नहीं है वहां बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो एक तरफ जहां बिहार के ये नेता ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ तौर से ये कह दिया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की ये साजिश हो रही है और केंद्र की बीजेपी सरकार ये सारी कोशिश में लगी है कि वो किस तरह से सरकार को गिराए। तो वह ये एक बड़ा मामला सामने आया है जहां इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जहां 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस की दबिश लगातार बढ़ी हुई है। अब ऐसे में जब परिजनों का ये दावा है कि ये दैनिक मजदूर हैं और ठेला लगाकर मजदूरी करते हैं या ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, तो अब पुलिस क्या आगे इनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्या खुलासा होता है, ये वक्त के साथ तय होगा। अगर इसमें ये बात सामने आ जाती है कि ये एक सब्जी विक्रेता है या फिर एक ठेला पर लगाकर सब्जी बेचता है, तो फिर आखिर इसके पर्दे के पीछे कौन है, कौन रच रहा है ऐसी कोई साजिश या क्या हो रहा है झारखंड राज्य में, ये सब कुछ वक्त के साथ तय होगा। खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।